इसके बाद यहाँ पे एस्टर के बारे में सवाल है कौशिक घटक जी का। ये एक सेफ लेवल सुरक्षित स्तर जानना चाहते हैं एस्टर डे में पैसा लगाने के लिए। हाल में डिविडेंड एडजस्टमेंट जो हुआ है उसके बाद क्या लग रहा है इसमें, एस्टर डे में कौन सा लेवल सही रहेगा नया पैसा अगर लगाना है तो। एस्टरडीएम में बेस तो क्लोजर टू 325 ही है, अभी चल रहा है करीब करीब 364 के आसपास का, और काफ़ी सारा एग्जिट है डिविडेंड के बाद इसमें, तो इसका बहुत क्लीन लेवल नहीं मिलेगा अभी, लेकिन 325 के आसपास शायद ये सपोर्ट लेता हुआ दिखे। तो ओवरऑल मेरा ऐसा कहना है कि अभी इसमें बहुत क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक ये सपोर्ट डिफाइंड सपोर्ट बना नहीं ले। कहने के लिए 325 के आसपास का सपोर्ट है, लेकिन स्ट्रक्चर बनने का समय लगेगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 325 के आसपास इस समय सपोर्ट दिख रहा है, यानी जहां से ये चाल शुरू हुई थी। तो क्या ये कहा जाए कि लौट के बुद्धू घर को आए? अब पॉसिबिलिटी है उसकी, क्योंकि अभी तक तो करेक्शन खत्म नहीं हुआ है इसका, लेकिन जी जिस तरह का फॉल है ना, इस फॉल में टेक्निकल से बात करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं, इसलिए वेट करना चाहिए कि जब तक इसमें कहीं एक सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिखे, उसके पहले कोई भी डिसीजन लेना शायद जल्दबाजी हो जाएगी। मुझे देख के तो यही समझ में आता है, जस्ट इन केस अगर कुछ होता भी है कुछ करने के लिए भी, तो अभी टाइम है, वेट करना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट कहाँ लेगा कहना मुश्किल है। 325 पे भी लेगा कि नहीं लेगा, मुझे बहुत हो सकता है कि 325 के आसपास ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करें, वहां पे वॉच कीजिए और फिर व्यू लीजिए वहां पे कोई लो बनता है कि नहीं।